लीजिए, इस समय सिक्का उछाल दिया गया है नागौर और अजमेर के बीच, जो तीसरे नंबर की टीम के लिए टॉस हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं आखिर जीत किसकी होगी। शायद यहाँ पे जालौर की टीम जीतने में कामयाब रही है सिक्का, शायद मैच भी जीतने में कामयाब रहेगी। हालांकि सेमीफाइनल में तो हार का सामना करना पड़ा था, यहाँ पे टॉस जीतकर कोर्ट चॉइस लिया है जालौर जम्बो ने। शांता कुमारी टीम के कप्तान, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और उनकी बहन डाउ, दोनों ही सगी बहनें कमाल का प्रदर्शन किया है इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। हो गए शुरू तीसरे नंबर की टीम के लिए। इस समय जो दोनों टीमें सेमीफाइनल में हारी थी उनके मध्य मुकाबला खेला जा रहा है अजमेर और जालौर जामांज के मध्य। तो जालौर की टीम की कप्तान शांता कुमारी ने टॉस जीता, कोर्ट चॉइस लिया। यहाँ पे शुरुआत किसकी बेहतर होगी देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ पॉइंट्स प्राप्त करता हुआ अजमेर, हालांकि टॉस हारा था लेकिन मैच जीत के इरादे से यहाँ पे शांता कुमारी लगातार आगे बढ़ते हुए, और कैच कर लिया गया यहाँ पे मजबूती के साथ, सोम्बक की तरह सपेलिया। तो 2-0 से आगे समझ में, फिर से थोड़ा सा पिछड़ता हुआ देखिए शुरुआत में, एयर कैच कर लिए गए और पहुंच गए लक्ष्य तक, डिफेंस नहीं कर पाया। इस तरीके से 3 पॉइंट जाने चाहिए यहाँ पे अजमेर के पाले में। तो 3 पॉइंटों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 4 पॉइंटों के साथ, देखिए खूबसूरत चौका लगाया है यहाँ पे अजमेर की रेडर ने, मिल गया मौका, जड़ दिया चौका, जालौर ने नहीं रोका, बहुत ही उमदा प्रदर्शन। 6-0 से आगे इस समय अजमेर, और यहाँ से पॉइंट की तलाश में बहुत मुश्किल नहीं। फिर से अजमेर पॉइंट की तलाश में आगे बढ़ता हुआ और कोशिश करना चाहेगा यहाँ पर, क्योंकि सुपर टैकल मौका है अजमेर के पास फिर से पॉइंट प्राप्त करने का। और छलांग लगाई यहाँ पे और पहुँच गए अपने घर में। तो यहाँ पे 4 पॉइंट जाएंगे ऑल आउट, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के खेल में ही ऑल आउट कर दिया अजमेर ने जालौर जाबांज को। तो शांता कुमारी निश्चित रूप से अंडर प्रेशर टीम की कप्तान, और सेमीफाइनल में जिस प्रकार से उनकी टीम हारी, चोट लगी है 3 खिलाड़ियों को, उसे निश्चित रूप से मनोबल जरूर डाउन हुआ होगा, और वही यहाँ पे देखने को मिलता हुआ इस समय। 10-0 से आगे इस समय अजमेर, फिर से ये युवा प्रतिभावान खिलाड़ी अजमेर की तरफ से लगातार आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश में है, लेकिन घेरा बनाने की कोशिश से गलती कर बैठे, आसानी के साथ पहुंच गए, जैसे पकड़ने की कोशिश की छलांग लगाई चीते की तरह। 11-0 से आगे इस समय देखेगा अजमेर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। शांता कुमारी नौकरी मिल जाए सरकारी, यहाँ पे पांव बढ़ाने की कोशिश जारी। और देखते हैं यहाँ पे क्या वापसी कर पाएगा जालौर, मुश्किल लग रहा है अभी जिस प्रकार से। और 1 पॉइंट फिर से अजमेर के पाले में, फिर से वही युवा खिलाड़ी अजमेर की तरफ से पॉइंट की तलाश होगी, और बेहतरीन प्रदर्शन किया है टूर्नामेंट में। ये लीजिए गलती कर बैठे, आसानी के साथ एक और पॉइंट जीते यहाँ पे। तो लगातार गलतियाँ करता हुआ जालौर, ऐसी गलतियों से बचना होगा। ये देखिएगा दबाव बहुत ज़्यादा, 12-0 से आगे है इस समय अजमेर, जबकि जालौर का खाता खुलना भी बाकी। 4 मिनट का खेल हुआ है, उसमें बढ़त बहुत बड़ी अजमेर की, फिर से वही, माफ़ कीजिए अब की बार रेडर दूसरी छात्रा दिखाई दे रही है अग्रेसिव होने की कोशिश। कबड्डी की ये वानगी बालिका वर्ग की, स्वाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 अंतिम चरण, जो कि राज्य स्तरीय जयपुर में खेला जा, हनुमानगढ़ और नागौर फाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि ये सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के मध्य तीसरे नंबर की टीम का चुनाव करने के लिए मुकाबला खेला जा रहा है अजमेर बनाम जालौर
जंबो, क्या यहाँ पे टच किया है, शायद पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे डाउ को इस समय टीम के उप कप्तान। पहला पॉइंट नहीं, रेफरी का इशारा नहीं इधर कोई, शायद उस समय ज़्यादा विश्वास में कम। और ये देखिए फिर से वही बालिका, बहुत ही शानदार प्रदर्शन बढ़त, और डोर डाई रेड यहाँ पे, क्योंकि तीसरी रेड है, पॉइंट हर हाल में अर्जित करना होगा, राहें आसान नहीं होंगी। क्या बोनस प्राप्त करने में कामयाब रही, नहीं, और घेर लिया यहाँ से, लीजिए खूबसूरती से दबोच लिया, एक और पॉइंट अजमेर के आंगन में, डोर डाई रेड फिर से देखिए, इस बार अजमेर की तरफ से चार बालिकाएँ, दबाव होगा और प्रयास यहाँ पे ज़रूर अच्छा किया, मगर अभी भी पहुँचे पीछे और कैच कर लिए गए, बहुत ही बेहतरीन डिफेंस। तो पहला पॉइंट इस समय जालौर की झोले में, बहुत देर से ये पॉइंट आया है, करीब 6 मिनट का खेल खेलने के बाद पहला पॉइंट इस समय जालौर का, तो खाता खुलता हुआ। और अब शांता कुमारी टीम के कप्तान आगे बढ़ती हुई, ज़रूर खामोश होंगी क्योंकि टीम मुकाबले में पिछड़ी हुई, सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ पे शुरुआत अच्छी नहीं रही, टॉस जरूर जीतने में कामयाब रही शांता कुमारी, लेकिन शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। यहाँ पे शायद बोनस मिल जाएगा, और यहाँ पे तेज़ी से गलती कर बैठे, तेज़ी से दौड़े, और बहुत ही शानदार रेड अजमेर की तरफ से, तो एक और पॉइंट बैक टू बैक, और इसी के साथ टाइम आउट, यहाँ पे पहला टाइम आउट पहले आप में अजमेर की तरफ से। मंत्रणा करते हुए यहाँ पे ड्रिंक्स से कुछ इताई देते हुए टीम प्रभारी, जबकि जालौर की टीम को देखे, उनके टीम प्रभारी इताई देते हुए, टीम काफ़ी पीछे चल रही है इस समय, सिर्फ एक पॉइंट अर्जित करने में कामयाब रहा है, जबकि बहुत बड़ी बढ़त है इस समय अजमेर के पास। डाउ एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश, टीम के उप कप्तान बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन यहाँ से वापसी करना मुश्किल दिखाई देता हुआ, रक्षात्मक रूप से ही आना होगा, टाइम आउट का दबाव यहाँ पे, और तेज़ी से दौड़ी, पिछली बार इसी अंदाज में पॉइंट अर्जित किया था, शांता कुमारी को चकमा दिया था, एक बार पीछे देखेगा, और प्रयास बहुत बेहतरीन यहाँ पे, बालिका और कबड्डी का खूबसूरत दृश्य, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, दूधिया रोशनी में इस समय नहाया हुआ ये कॉरिडोर, आंधी आए या तूफान आए मैच पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे खूबसूरती से कैच कर लिए गए, और रेड आउट यहाँ पे, तो एक पॉइंट अजमेर के अंगना में, मुकाबले में पिछड़ता हुआ, बढ़त लगातार बनाते चला जा रहा है अजमेर, और कैच करने का असफल प्रयास, तारतम्यता नहीं, और एक पॉइंट गंवाता हुआ इस समय जालौर, फिर से रेड लेकर आगे बढ़ता हुआ जालौर, पॉइंट की तलाश में दबाव होगा निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट है स्कोरबोर्ड पे जालौर के पास है, जबकि अजमेर लगातार बैक टू बैक पॉइंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ये सफ़र, इन दोनों टीमों के लिए अंतिम मैच, जीतने वाली टीम तीसरी पोजीशन पे रहेगी, हारने वाली टीम चौथे पायदान पे, और फिर से रक्षात्मक रवैया, और बालिका ही देखिए अजमेर की तरफ से सुपर टेकर, मौका अजमेर के पास बढ़त बनाने का, और टच किया और धक्का देकर पहुंच गया ऑल आउट, इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत रेड, चार पॉइंट अर्जित करते हुए एक और चौका इस समय अजमेर की तरफ से, तो लगातार देखिए दो बार ऑल आउट कर चुका अजमेर अभी तक है जालौर जंबो को, सिर्फ 9 मिनट के करीब खेल हुआ है, और 9 मिनट के दौरान दो बार ऑल आउट करने में जो सफलता पाई है अजमेर ने, निश्चित रूप से जीत की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पे, जबकि और कैच कर लिए गए टीम के कप्तान शांता कुमारी, इस बार पकड़ लिए गए, बेहतरीन पकड़ न बल्कि रेडर के ऊपर बल्कि मैच के ऊपर भी। और अब फिर से देखिए युवा स्टार अजमेर की तरफ से कैच करने का प्रयास, इस बार बहुत ही खूबसूरत डिफेंस किया है, तो यहाँ से एक पॉइंट बहुत देर के बाद आया है, लगता है देर ज़रूर हो चुकी है
लेकिन कहते हैं सुबह का भोला शाम को घर आ जाए उसे भोला नहीं कहते। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन जालौर जंबो का, लेकिन 2 पॉइंट आपको जीत की मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, इसलिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा पॉइंट की तलाश में। लेकिन टाइम आउट का दबाव यहाँ पे, अजमेर फिर से आगे बढ़ता हुआ और दबाव बनाने की कोशिश, घेर लिया और बहुत बेहतरीन डिफेंस। इसी प्रकार का खेल दिखाने की ज़रूरत है, बहुत ही शानदार तरीके से टैकल किया तो 3 पॉइंट होते हुए इस समय संख्या जा पहुंची है जालौर की। पिछले तकरीबन 60-70 सेकंड में अच्छा खेल दिखाया ज़रूर है, मगर इसी प्रकार का खेल बरकरार रखना होगा वापसी के लिए। पहले आपका खेल इस समय अंतिम पड़ाव की ओर जाता हुआ और पॉइंट मिला या नहीं, 1 पॉइंट जाएगा डाउ टीम के उपकप्तान अजमेर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश और देखिए दबाव बनाने के लिए ज़रूर पिछले जो 2-3 पॉइंट जीत के हैं विश्वास ज़रूर लौटा होगा उनका। ये लीजिए फिर से वही किया जिसकी अपेक्षाएं थी जालौर जंबो से, और एक और पॉइंट यहां पे लगातार एक के बाद एक 4 पॉइंट अर्जित कर चुका है तकरीबन 1.5 मिनट के खेल में। तो इसी प्रकार से खेल दिखाने की जरूरत है जालौर को वापसी के लिए। सुपर टेकल 3 बालिकाएँ इस समय और मौका है डाउ हनुमानगढ़ में, और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे और फिर से कैच कर लिया गया बहुत ही खूबसूरती के साथ, डिफेंस उतने ही बेहतरीन पकड़। तो पिछला 2 मिनट का जो खेल हुआ है ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है जालौर ने, वापसी का लगातार प्रयास और सुपर टेकल देखिए यहाँ पे, तो क्या ये वापसी कर पाएगा देखना दिलचस्प होगा। सुपर टेकल डाऊ के पास मौका इस समय, सिर्फ 2 ही बालिकाएँ, टाइम आउट का दबाव होगा, टच किया है बिल्कुल, 1 पॉइंट मिलेगा। तो एक और पॉइंट इस समय जालौर की झोली में, कुछ हद तक तो वापसी की है, मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा होगा और एक बड़ी बढ़त थी अजमेर के पास, उसके बावजूद गलतियां करता हुआ क्या यहां पे कैच कर पाएंगे, अगर कैच करते हैं तो पहली बार ऑल आउट करने में कामयाब रहेगा जालौर, और निश्चित रूप से यदि ऑल आउट करते हैं तो फायदा मिलेगा। लीजिए वही किया, बहुत ही बढ़िया तालमेल यहाँ पे फिर से, यह है जालौर जंबो उतना ही बेहतरीन निर्णय की भूमिका निभाते हुए यहाँ पे सुरेंद्र जी चौधरी। हालांकि बढ़त अभी भी अजमेर की कायम, लेकिन ज़बरदस्त प्रदर्शन है पिछले करीब 3 मिनट के खेल में जालौर का। फिर से अजमेर की ये बालिका आगे बढ़ती हुई, क्या मैच पे पकड़ बना पाएगी, और कैच कर लिया गया, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक किया इस समय, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन दाद देनी होगी इस जालौर बालिका की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से टैकल किया और ब्लॉक करने में कामयाब रहे। तो एक और पॉइंट इस समय जालौर की झोली में, यह है क्रिकेट कबड्डी की खूबसूरती बालिका वर्ग की। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर बालिका वर्ग का ये 3रे राउंड के लिए मुकाबला, हारने वाली टीमें दोनों सेमीफाइनल में। जालौर जंबो और पहुंच गई बिल्कुल एक बार फिर से कामयाबी की उड़ान और 2 पॉइंट यहां पे जाते हुए जालौर की झोली में। तो ये देखिए पिछले 4 मिनट का खेल कैसे बदल गया है, गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ ये बालिका वर्ग कबड्डी का बेहतरीन मुकाबला स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर। और यह है क्रिकेट कबड्डी की खूबसूरती, खेल चाहे कोई भी हो किसी भी समय वापसी की जा सकती है यदि आपके अंदर जुनून जोश जज्बा और इरादे मजबूत हो, हौसले यदि आपके अंदर जिंदा हैं तो मैच में आप वापसी आ सकते हैं। शांता कुमार यहां से फिर से प्रयास करना चाहेगी 1 से 2 पॉइंट अर्जित करने के लिए, क्योंकि पिछले 4 से 5 मिनट का जो खेल हुआ उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहला आप समाप्ति के बिल्कुल करीब है तो यहाँ से जितने पॉइंट मिलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा जालौर जंबो के लिए। जबकि अजमेर इतनी बेहतरीन शुरुआत, इतनी बड़ी बढ़त के बाद पिछड़ता हुआ, लगातार गलतियाँ की है, समझ से परे ये चीज़ें, और तेज़ी से बढ़ती हुई अजमेर की ये बालिका फिर से देखे दबाव बनाने की कोशिश। और जो पिछले 4 से 5 मिनट में जो ऊपर आकर खेल दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय, यहाँ पर गलती की इस बार नहीं पकड़ पाए तो काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट अजमेर के अंगना में एक बार फिर से, तो ज़रूर वापसी के लिए फिर से मनोबल बढ़ाना चाहेगा अजमेर, यहाँ पे गलतियों से सबक लेना होगा मैच जीतने के लिए। जबकि जालौर यहाँ पे लगातार प्रदर्शन
करना चाहेगा बेहतरीन। जिस प्रकार से पिछले 5 से 5.5 मिनट में जो खेल दिखाया है लाजवाब है। और पहले आपका खेल अंतिम पड़ाव पे है और इसी के साथ लीजिए पहला आप समाप्त होता हुआ। बहुत ही अच्छा निर्णय दोनों मैच रेफरी वहाँ पे। और अब दूसरे हाफ में आएगा असली मज़ा। तो देखिए 10-24 स्कोर है इस समय 24 अजमेर, जबकि 10 पॉइंट हैं जालौर के पास है, तो 14 अंकों की लीड अभी भी कायम है। लेकिन पिछले जो 6 मिनट में खेल दिखाया जालौर ने, इसलिए कोशिश करेगा वापसी करने की दूसरे हाफ में। लगातार आगे बढ़ते हुए समय अजमेर की बालिका, क्या वापसी कर पाएगा? खेल तो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय दिखाया और कैच कर लिए गए, बहुत ही बढ़िया। ये है तालमेल का खेल, टीम गेम, इसी तरीके से खेल दिखाना होगा। उमदा प्रदर्शन शांता कुमारी टीम कैप्टन, फिर से आगे बढ़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ जालौर जम्बो का 11, जबकि अजमेर का स्कोर है इस समय 24 है, यानी कि 13 अंकों की लीड है। और रक्षात्मक फिर से वही बालिका आगे बढ़ती हुई लगातार पॉइंट की तलाश में, बढ़त कायम है। और समय का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि पॉइंट मिले या नहीं मिले, गलतियां कम से कम करें तो बेहतर होगा अजमेर के लिए। रक्षात्मक रवैया देखिए फिर से मुस्कुराते हुए, और जानते हैं क्योंकि बढ़त 13 अंकों की है और ये बढ़त कम नहीं कही जा सकती। इस दूध या रोशनी में, कृत्रिम रोशनी के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है इस कॉरिडोर में, और इसी बीच एक पॉइंट जाना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे जालौर के खाते में। फिर से अजमेर की वो बालिका देखिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है रेडर के रूप में, फिर से पॉइंट की तलाश है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदर्शन पिछले 7 से 8 मिनट के दौरान किया जालौर ने, लगता है शायद वापसी का पूरा प्रयास करेगा। और यहाँ पे फिर से देखिए रोमांचक मुकाबला, तीसरे नंबर के लिए दोनों टीमें सेमीफाइनल में आ चुकी हैं। और कैच कर लिया गया, बहुत ही बेहतरीन पकड़, खूबसूरत तरीके से डिफेंस किया, चारों खाने चित कर दिया। तो यह है कबड्डी की वानगी महिला वर्ग की। बालिकाएं इस समय देखिए खेल खेलते कबड्डी का, और निश्चित रूप से विश्वास जरूर बढ़ा होगा। बढ़त को कम करने की कोशिश लगातार जारी जालौर की तरफ से, जबकि अजमेर यहां पे अभी तक जालौर पे भारी। इसे कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर सके टीम के कप्तान, लेकिन अजमेर की तरफ से आगे बढ़ती है बालिका दबाव में दिखाई देते हुए। आसान नहीं होगा, रक्षात्मक ही रवैया, समय का जाया करना भी जरूर, क्योंकि बढ़त अभी भी कायम है। अजमेर की डू और डाई रेड यहाँ पे संभवता, तो करो मरो की रेड हो गई। पॉइंट हर हाल में चाहिए जालौर को, अदरवाइज एक पॉइंट गवा देगा। टच किया है, मिल गई कामयाबी एक पॉइंट के साथ। डू और डाई रेड यहाँ पे कारगर साबित होते हुए जालौर के लिए, क्या वापसी कर पाएगा? कुछ हद तक वापसी की है, इसमें कोई दोराई नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं। पहले एक तरफा मुकाबला और ये कैच कर लिए गए, बहुत ही खूबसूरत डिफेंस। फिर से तालमेल क्या गजब का दिखाया पिछले तकरीबन 9 मिनट के खेल में जालौर ने, वो अविश्वसनीय है। ऐसा खेल शुरुआत से दिखाया होता तो शायद मैच का रुख ही कुछ अलग होता। और ये लीजिए ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट करने में कामयाब रहा जालौर जम्बो अजमेर को, तो ज़बरदस्त वापसी यहाँ पे फिर से अजमेर, माफ़ कीजिए जालौर की अजमेर के ऊपर। और यहाँ पे देखते हैं क्या पॉइंट अर्जित कर पाएगा दबाव में रक्षात्मक रवैया। बोनस मिला इसी बीच राइडर को, और पहला टाइम आउट इस समय सेकंड हाफ का अजमेर की बालिकाओं द्वारा। ये टीम पर भारी समय दहाई देते, और क्यों नहीं, क्योंकि बढ़त है और पिछले जो 9 मिनट का खेल हुआ उसमें गलतियां की हैं वो निश्चित रूप से, हालांकि गलतियां नहीं की, प्रदर्शन बेहतरीन दिखाया है यहाँ पे जालौर की बालिकाओं ने, उनकी दाद देनी होगी। दाओ एक बार फिर से टीम की कप्तान, उसकी छोटी बहन सगी बहने, क्या बोनस मिलेगा? जीत के इरादे से दोनों टीम ने संघर्ष करते हुए लगातार ऑडियंस यहाँ पे देखिए दूध या रोशनी में बालिका और कबड्डी का मैच इंजॉय करते हुए।
रक्षात्मक ही पूछते हैं, और फिर से वही बालिका जो बार बार और लगातार रेड लेकर आगे बढ़ती हुई अजमेर की तरफ से, हालांकि पिछले कुछ समय में ज़्यादा कामयाब नहीं रही हैं, कैच कर लिए गए हैं ज़्यादातर वो, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव होगा उनके ऊपर। और फिर से वही रक्षात्मक जालौर आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में, स्वाइमान सिंह स्टेडियम जयपुर, बालिका वर्ग का कबड्डी मुकाबला, जीतने वाली टीम तीसरा नंबर प्राप्त करेगी जबकि हारने वाली टीम नंबर चार पे रहेगी। जो आप सामने देख रहे हैं ये तैयारियां समापन समारोह को लेकर हो रही हैं, इस समय जो स्क्रीन लगाई जा रही है, और ये लीजिए अजमेर पीछे आगे बढ़ता हुआ, अभी भी बढ़त जो है कुछ हद तक अजमेर की है, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं है अब, तो वापसी का अवसर होगा दूसरे हाफ का भी, लगभग आधा समय हो चुका है, तो ध्यान देना होगा ये जालौर को। डू और डाई रेड यहाँ पे संभवतः डाऊ टीम की उपकप्तान, और यहाँ पे बढ़िया कार्य किया, दो पॉइंट जाने चाहिए, बोनस और एक पॉइंट, शानदार प्रदर्शन जालौर का, वापिस मैच में इस समय जालौर बेहतरीन मुकाबला, बहुत ही शानदार कृत्रिम रोशनी में खेला जा रहा है इस समय, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और कैच कर लिया गए, थोड़ा सा पीछे रह गए, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, और फिर से एक पॉइंट जालौर की झोली में, और अब टीम की कप्तान शांता कुमारी निश्चित रूप से वापसी करता हुआ यहाँ पे जालौर जंबो, बहुत ही सराहनीय उमदा प्रदर्शन, बेहतरीन शुरुआत और बेहतरीन बढ़त के बावजूद मुकाबले में पिछड़ता दिखाई देता है। यहाँ से देखिए अजमेर तेजी से अग्रेसिव होने की कोशिश, क्योंकि जिस प्रकार से वापसी की है तो अब समय ज़ाया नहीं करना चाहेगा अजमेर, एक समय था जब उनके पास बढ़त थी तब समय ज़ाया कर रहे थे शायद कहीं ना कहीं वो रक्षात्मक रवैये से, और ये देखेगा चकमा देने की कोशिश मौके की नज़ाकत में, लेकिन क्या बोनस मिलेगा यहाँ पे, बोनस मिलता हुआ इस रेडर के द्वारा, देखिए अजमेर की तरफ से, और फिर से डाउ टीम के उपकप्तान उदयमान खिलाड़ी प्रतिभा निश्चित रूप से, और एक ही परिवार से बिलोंग करती है यह टीम जो जालौर की है, निश्चित रूप से बहुत कम देखने को मिलता है, और फिर से पॉइंट अर्जित नहीं कर पाई यहाँ पे जालौर की टीम, और देखिए थोड़ा सा एकाग्रता बनाने की कोशिश अजमेर की तरफ से, क्योंकि मैच तराजू की तरह तुला हुआ है, मैच किस करवट जाएगा कहना बहुत मुश्किल, तराजू बंटवारा कर देती किले में हजार ग्राम, जब आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम, और टाइम आउट का दबाव, इसलिए वापस लौटे, और डू और डाई रेड के लिए डाओ, फिर से यहाँ पे पॉइंट जाना चाहिए, एक पॉइंट या नहीं देखना दिलचस्प होगा, दबाव बनाने की कोशिश शायद उस समय थी, और एक पॉइंट लीजिए अजमेर के खाते में जाता हुआ, और टाइम आउट लेता हुआ इस समय जालौर, इधाई देते हुए लगातार अजमेर के लिए भी लगातार मंत्रणा जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे, अनुशासन भी बहुत ही जरूरी, तो दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई यहाँ पे, मैच का समय ज़्यादा नहीं बचा है, अब मुश्किल से 5 मिनट का समय शेष है, और यहाँ पे अब जीत किसकी होगी कहना बहुत मुश्किल, और मैच में क्या मोड़ आया है वाकई में बहुत ही दिलचस्प है, अविश्वसनीय, टाइम आउट का दबाव यहाँ पे, और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई इस समय जालौर की बालिका, लगातार अपील करते हुए देखिए दर्शक यहाँ पे उत्साह बढ़ाते हुए टीम का, क्योंकि मनोबल बहुत मायने रखता है किसी भी प्रकार के खेल में, बालिका वर्ग का ये कबड्डी मैच है, और वापिस सुरक्षित लौटे हैं
बार फिर से युवा स्टार अजमेर की तरफ से आगे बढ़ती हुई बालिका, क्या मैच में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ब्लॉक किया है, चारों खाने चित्त कर दिया, एक के बाद एक खिलाड़ी ऊपर आते गए, कमाल का एफर्ट। और फिर से देखिए शांता कुमारी, बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनकी कप्तानी में, क्या कैप्टनसी है, क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं, क्या प्रदर्शन किया है रडर के रूप में, इस बार पुश किया और बाहर तक खेल दिया। तो यहाँ पे अजमेर के पाले में एक और अंक, और यहाँ पे तराजू की तरह मुकाबला, रोमांचक मोड़ पे मैच है। और यहाँ पे रक्षा तनु से वापिस लौटे, एक बार फिर से जालोर आगे बढ़ता हुआ, डाउ वहां पे डाई मारती हुए है, पहुंच गई मंजिल तक, बोनस प्लस में एक पॉइंट, कुल मिलाकर दो पॉइंट जालोर की झोली में। तो जैसे ही पॉइंट जालोर को मिलता है, जालोर के दर्शक से झूम उठते हैं, और जैसे अजमेर को पॉइंट जाता है तो अजमेर भी झूमने लगता है। खूबसूरत रोमांच कबड्डी का, यहाँ पे गलती कर बैठे और एक पॉइंट इस समय अजमेर के पाले में। देखिए और फिर से रोमांच निकाला और यहाँ पे गलती कर बैठे, खूबसूरती से छलांग लगाई अपने पाले में एक पॉइंट के साथ है। बेहद कांटे की टक्कर अजमेर और जालोर के मध्य, हालांकि अजमेर ने बहुत खूब शुरुआत की थी, लेकिन उसके बावजूद मुकाबले में पिछड़ा और वापसी की वो वाकई काबिले तारीफ है जालोर की। डाउ टीम के उपकप्तान फिर से आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए इस समय, और यहाँ पे पॉइंट जाना चाहिए और एक पॉइंट जाएगा जालोर की झोले में, और कैच करने का प्रयास लेकिन गलती की है, और बहुत ही बेहतरीन रेड इस युवा स्टार के अजमेर की तरफ से, लेकिन शायद फिर से रेड लेकर जाना होगा रेफरी की अनुमति के बगैर ही आगे बढ़ी थी। जोश जज्बा जुनून उत्साह उमंग बालिका वर्ग कबड्डी का ये रोमांच है, और टाइम आउट लिया है यहाँ पे, देखिएगा अजमेर ने टाइम आउट लिया दूसरी बार, विदाई देते हुए यहाँ पे देखिए टीम पर भारी, करीब ढाई मिनट का समय शेष है, तो पिक्चर अभी बाकी है, जीत किसकी होगी कहना बहुत मुश्किल। स्वाइमान सिंह स्टेडियम जयपुर, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ इस समय ये कॉरिडोर, और बहुत ही अनुशासन तरीके से ये मुकाबला खेला जा रहा है। बालिका और कबड्डी का कैच करने की कोशिश, लेकिन स्वयं में ही यहाँ पे गलती की है जालोर ने, और दो पॉइंट इस समय जाते हुए अजमेर की झोली में। बेहद रोमांच मुकाबला, कहना मुश्किल कि जीत किसके होंगे। कबड्डी की बांधी और चकमा दिया और पहुंच गए अपने घर में, एक पॉइंट फिर से जालोर के झोली में। ये इसी के साथ टाइम समाप्त मैच का, और देखते हैं ये मुकाबला किसने जीता है। तो इस प्रकार से ये मुकाबला अजमेर ने चार अंकों से जीत लिया, 32 पॉइंट प्राप्त किए अजमेर ने, वहीं जालोर की टीम 28 अंक प्राप्त कर सकी, तो चार अंकों से ये मुकाबला जीतकर तीसरे पोजीशन पे रही ग्रामीण, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में स्टेट लेवल पे जो ये मैच खेला गया स्वाइमान सिंह स्टेडियम जयपुर में, वहीं चौथे नंबर पे रही जालोर की टीम जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दाद देनी होगी जालोर टीम की भी, क्या गजब की वापसी की, और दो सगी बहनें शांता कुमारी और डाओ जिनके पिता 15 अक्टूबर को एक्सपायर हो गए थे, उसके बावजूद भी जो इन्होंने जोश जज्बा निश्चित रूप से सैल्यूट करना होगा इस जज्बे को सलाम नारी शक्ति के रूप में। तो दोनों टीमों को बधाई। स्वाइमान सिंह स्टेडियम से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलते हैं, शुक्रिया।